यस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 8 की बात हो रही है, कंप्यूटर चैप्टर चल रहा है हमारा 2 मोर ऑन एचटीएमएल। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने आधा पढ़ा दिया था और आधा रह गया है, तो जो रह गया है चैप्टर, जो भी इसका कंसेप्ट रह गया है उसको कर लेते हैं। तो चलिए बुक ले लीजिए, सबसे पहले पेज नंबर खोल लीजिए, पेज नंबर आपको बता देते हैं। पेज नंबर है हमारा 18, पेज नंबर 18 पे चलेंगे। पेज नंबर 18 पे हेडिंग दिया है एचटीएमएल एलिमेंट्स, तो पेज नंबर 18 है, 18 लेंगे सभी बच्चे। तो इसमें क्या कहा है एचटीएमएल एलिमेंट्स, तो एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होता है, जो टैग्स के साथ यूज होते हैं, सब टैग्स जिनको बोलते हैं उनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। On the fundamentals level, every HTML document has a hierarchical structure made of elements and their contents. The terms element just name given the pieces of web page and elements comprise the text and close the angle brackets. Angle brackets various essential documents structures elements are HTML और HTML head और head। देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स जो होते हैं हमारे, जैसे ये दिया है हमारा इनरेगुलर ब्रैकेट में, एमबी ब्रैकेट में हमारा HTML, और जब हम बीच में प्रोग्राम बनाते हैं तो लास्ट में प्रोग्राम करके ये फ्लैश HTML, तो ये क्या है हमारे, ये एलिमेंट्स हैं। तो हर टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिनका ओपनिंग भी होती है और उनकी एंडिंग भी होती है, कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिनकी आप ओपनिंग तो कर देते हैं, ओपन टेक्स्ट होते हैं लेकिन उनका कोई एंड टैग नहीं होता है। तो ऐसे ही एलिमेंट्स हैं, कुछ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हैं नीचे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग टैग्स होते हैं जिनके एंडिंग टैग नहीं होते हैं, जिनके स्टार्टिंग भी होते हैं और एंडिंग टैग भी होते हैं। तो इतने सारे टाइप्स के हमारे टैग्स हैं, तो अलग अलग टैग्स को हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं इनको, तो अलग अलग होते हैं, पढ़ लेते हैं। हेडिंग दिया है नीचे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एचटीएमएल एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, कंटेनर एलिमेंट्स एंड एम्प्टी एलिमेंट्स। तो क्या कहा है कंटेनर एलिमेंट्स में, इन द एचटीएमएल द कंटेनर्स इज द एरिया एनक्लोज वेयर बिगिनिंग एंड एंडिंग टैग्स। तो ऐसे टैग्स जो बिगिनिंग भी होती है, जिनकी स्टार्टिंग भी होती है और एंडिंग भी होती है। फॉर एग्जाम्पल एचटीएमएल, ऐसा टैग्स कौन सा है हमारा, एचटीएमएल है, स्टार्टिंग हुई एंडिंग हुई, एंडिंग का सिंबल क्या होता है, स्लैश लगाना पड़ता है, ये समझो कि एंड टैग है, स्लैश से पता चल जाता है हमारा कि ये हमारा एंड टैग है। उसके बाद क्या दिया है, पैराग्राफ्स और अदर एलिमेंट्स इन एचटीएमएल कोड, पैराग्राफ्स या फिर ऑल कंटेनर्स मस्ट हैव ए स्टार्ट एंड स्टॉप टैग्स टू क्लोज द कंटेनर, विदाउट ए स्टॉप टैग स्टार्ट विल अप्लाई टू द एंट्रीज डॉक्यूमेंट्स, व्हाइल यूजिंग टैग्स सेट्स एज कंटेनर वी शुड ऑलवेज बैलेंस टू फ्लो। तो एग्जाम्पल्स दिए हैं, करेक्ट वे टैग वन टैग टू, टैग टू टैग वन, तो करेक्ट वे है, इनकरेक्ट वे टैग वन टैग टू, वन टैग टू, तो ये है करेक्ट वे हमारी जो नीचे दी हुई है एग्जाम्पल्स जो दिए हैं हमारे कंटेनर एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है ये। तो ऐसे टैग्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्टार्टिंग टैग्स होता है और एंडिंग टैग भी होता है, यानी कि वन टू टू वन, वन टू टू वन, वन टू वन टू नहीं होगा, यानी कि स्टार्टिंग भी होगी और एंडिंग भी हमारी जरूर होगी। उसके बाद यह है इम्पैटिंग एलिमेंट्स सेकंड नंबर पे, मोस्ट एलिमेंट्स हैव ए स्टार्ट टैग एंड एंड टैग दैट इंडिकेट वेयर द एलिमेंट्स बिगिनिंग एंड वेयर इज एंड, देयर इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर एक्सपेंशंस टू दिस रूल्स, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इम्पैटिंग। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को जिनको एंडिंग भी और स्टार्टिंग भी होता है लेकिन वो इंडिकेट कर देते हैं कहाँ एंडिंग और कहाँ स्टार्टिंग है। ओनली हैव स्टार्टिंग टैग्स, दिस कैन नॉट हैव एनी कंटेंट्स, उनमें कोई कंटेंट्स नहीं होता, केवल स्टार्टिंग टैग्स होता है, जैसे आपका बी आर बॉर्डर टैग्स जो हो गया हमारा। फिर है हेडिंग एलिमेंट्स, हेडिंग एलिमेंट्स में हमारे यहाँ पर 6 हेडिंग होते हैं एचटीएमएल के, 6 हेडिंग H1 H2 H3, तो ये हेडिंग एलिमेंट्स हैं। तो कुछ इस पर दिया है, अगर हम हेडिंग एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करें, तो प्रोग्राम बनाते हैं सबसे पहले एचटीएमएल लिख दिया मैंने, उसके बाद हेडिंग लिख दिया, कैप्टन में लिख लेते हैं कैप्टन में लिखा है, उसके बाद इसमें दिया है टाइटल, टाइटल लिख लीजिए टी आई टी टी एल टाइटल, उसके बाद क्या दिया यूजिंग हेडिंग स्टाइल, क्या कर रहे हैं यूजिंग हेडिंग स्टाइल, ठीक
ठीक है भाई। उसके बाद इसको टाइटल को हमने यहां पर बंद कर दिया। ठीक है भाई, टाइटल को हमने बंद कर दिया। देखो वीडियो में दिख रहा है कि उधर थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा उधर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो भाई इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या दिया है हमारा, उसके बाद हमने हेड को भी बंद करेंगे, इसको स्लैश लगा देंगे। तो भाई बंद करने का सिंपल क्या होता है, हम स्लैश लगा देते हैं, बाकी ये एडिटिंग जाता है हेड। भाई स्टार्टिंग कौन सा है, ये तो ये स्टार्टिंग टैग। एंडिंग की पहचान क्या होती है, एंडिंग का सिंपल क्या होता है, इसमें स्लैश लगा देते हैं, ये एंड टैग। उसके बाद हमारा हमने लिया बॉडी, बॉडी टैग, बॉडी में हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। फिर लिया हमने H1 में क्या लिख दिया, कंप्यूटर साइंस। इसके सामने लिख दीजिए, घूमने लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर साइंस। ठीक है भाई, उसके बाद हमने क्या दिया है, इसको H1 को बंद कर लीजिए, इधर बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्लैश लगाइए H1। तो इस तरह आप H2, H3, H4, H5, H6 तक लिख सकते हो, जो कि नेक्स्ट पेज पे हमें दिखाया भी गया है, पेज नंबर 20 पे दिखाया गया है। देखो H1 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हेडिंग कौन सा है, H1 कंप्यूटर साइंस, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद H2 उससे छोटा हो जाएगा, H3 उससे थोड़ा कम साइज में होगा, H4 उससे कम, H5, तो H6 तक हमारे पास हेडिंग रहते हैं। तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं, पूरा प्रोग्राम बना हुआ है पेज नंबर 20 का। लास्ट में जितने भी हमने हेडिंग, जैसे मैंने हेड को लगा बंद किया, फिर बॉडी को बंद करेंगे, H1 को यहाँ बंद कर दिया, लास्ट में हमारा HTML भी बंद होगा ऐसे। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था। उसके बाद दिया हमारे पास एलिमेंट्स, फॉन्ट एलिमेंट्स। फॉन्ट यानी कि अगर हमें जो हमारी लैंग्वेज है उसका स्टाइल और उसकी शेप चेंज करनी है तो फॉन्ट एलिमेंट का भी यूज करते हैं। तो क्या कहा है इसमें, द फॉन्ट एलिमेंट इज यूज टू चेंज द साइज, फॉन्ट टाइप और कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द वेब पेज। तो फॉन्ट की हेल्प से आप उसका साइज, उसका टाइप, स्टाइल यानी कि उसका कलर, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। द सिंटैक्स ऑफ फॉन्ट एलिमेंट इज फॉन्ट, सिंटैक्स दिया है नीचे। द फॉन्ट एलिमेंट्स वार डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, तो उसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं टू एनहांस द टेक्स्ट इन द वेब पेज, जो टेक्स्ट और वेब पेज पर टेक्स्ट को चेंज करने के काम आते हैं। दीज एट्रीब्यूट्स आर कलर, फेस एंड साइज। तो ये एट्रीब्यूट्स हमारे कलर्स हो सकते हैं, उसका फेस यानी कि स्टाइल, और उसका साइज हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइज एट्रीब्यूट की। अगर हमें साइज एट्रीब्यूट करना हो तो क्या दिया है इसमें, फॉन्ट साइज लिखेंगे, मैं लिख कर बता देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, प्रोग्राम बना लेना है सबसे पहले, अगर हमें किसी का चेंज करना है। तो जब प्रोग्राम में करते हैं, किसी भी टेक्स्ट का साइज बदलना हो, टेक्स्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, तो HTML हेड टाइटल यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बॉडी, और बॉडी में ही हमारा क्या एट्रीब्यूट लगेगा, हमारा लगेगा बॉडी में ओपन ब्रैकेट फॉन्ट, फॉन्ट साइज। ठीक है भाई, फॉन्ट साइज लिख लीजिए आप। फॉन्ट साइज लिखने के बाद इक्वल लगाएंगे, और इसमें डबल जो सेमी कॉलम है उसमें बंद कर देंगे, कितना करना है, जैसे हम 6 के एम 10 कर देंगे, इसको बंद करके और इसको बंद कर देंगे। तो ये हो गया फॉन्ट साइज। तो जो हमारा साइज है वो क्या है, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट में इसको जब हमारा साइज चेंज हो जाएगा तो इसको ऐसे बंद कर देंगे, फॉन्ट साइज। ठीक है भाई, फॉन्ट नहीं आता है तो ये इसको बंद कर देंगे। ऐसे ही दिया है कलर एट्रीब्यूट्स, कलर के लिए भी फॉन्ट साइज 5 है, कलर रेड कर देंगे। उसके बाद दिया है फेस फॉन्ट, यानी कि फॉन्ट का स्टाइल, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं वो आप बदल सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ इसमें दिया है बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन एलिमेंट्स, इट आइडेंटिफाई हाउ टू टेक डिस्प्ले द वेब पेज, दीज एलिमेंट्स यूज यू व्हेन वांट टू हाईलाइट सम टेक्स्ट मेकिंग इट्स बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन इन द वेब पेज। तो बोल्ड, अगर हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर सकते हैं, या फिर किसी भी वर्ड को वेब पेज पर हाईलाइट करना है तो उसको हम अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए यूज करते हैं। सबसे पहले दिया है बोल्ड एलिमेंट, तो इसका हम पूरा करके लिखते हैं आपको, बोल्ड का कैसे होगा, शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले दिया बोल्ड एलिमेंट, द बोल्ड एलिमेंट
specify that is text and close in it the starting ending text. इसका starting tag भी होता है bold element का और end tag भी होता है. Should be display in bold, जो हमें text को bold में दिखाता है. This element can be used between the other elements while creating a web page. तो इसका यूज हम किसी अन्य एलिमेंट्स में करते हैं जब हम वेब पेज को बनाते हैं. तो करते कैसे हैं भाई इसका, फॉलोइंग स्टेप. नीचे प्रोग्राम दिया है, जैसे कोई वर्ड लिखना है मुझे कंप्यूटर साइंस लिख दो, इन्हें तो चार पैकेज दिया है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें करना है एसक्यूएल प्रोग्राम तो बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली बिना प्रोग्राम बने ये नहीं होगा. उसके बाद हेडिंग ले लेंगे, हेड टैग दिया हमने एच टू हेड. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है हमें हेडिंग लेने के बाद फिर हमारा टाइटल होगा. टाइटल हमने ले लिया टाइटल सैंपल में हमने सैंपल लिया है किसी चीज का टाइटल. फिर टाइटल को बंद कर देंगे, ऐसे भी दिखाई दे रहा होगा जो पीछे से कैमरे में दिख रहा है. ठीक है भाई, टाइटल हो गया. उसके बाद क्या करना है, हमें टाइटल ले लिया, सैंपल टाइटल हो गया. उसके बाद क्या करना है, बॉडी. फिर क्या लिया हमने, बॉडी. अब बॉडी में क्या करना है, हमें बोल्ड लगाना है. उसका B लगाएंगे ओपन टैग ओपन ब्रैकेट B ओपन ब्रैकेट B फिर क्लोज ब्रैकेट और फिर लिखो कंप्यूटर साइंस. ठीक है भाई, ये आपने लिख दिया. उसके बाद क्या होगा, अब फिर इस बोल्ड एलिमेंट्स को आप क्लोज कर देंगे, क्योंकि एट्रीब्यूट्स आपने ओपन किया है तो उसको क्लोज करना भी जरूरी है. तो इस तरह जो डिस्प्ले होगा हमें, जो हमारा टेक्स्ट हमने जो लिखा है जो डिस्प्ले होगा वो बोल्ड में हमें दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली हाईलाइट होगा. ऐसे ही एक एट्रीब्यूट्स है, बंद भी कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं. इसकी बॉडी अलग रूप में लगाना है तो बॉडी दिया है, इसको बॉडी को बंद कर देंगे. और तो इस तरह आप बोल्ड कर सकते हैं एचटीएमएल, हेड टाइटल सैंपल कुछ भी दे, टाइटल देना चाहो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. सीधा एचटीएमएल लिखो, बॉडी लिखो, बी लगाओ, जो भी टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है, जो भी जिस टेक्स्ट को आप बोल्ड करना करके दिखाना चाहते हो उस टेक्स्ट को यहाँ लिखो और बी टैग को क्लोज करो और फिर आप एचटीएमएल को क्लोज करो. तो इस तरह आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना हो बी की जगह आई आ जाएगा, जो टेक्स्ट यहाँ लिखोगे वो इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा. अगर अंडरलाइन करना चाहते हो बी की जगह यू आ जाएगा, जो आप टेक्स्ट लिखोगे वो पूरा का पूरा अंडरलाइन होगा. तो समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ आज तक के लिए इतना ही. ये चैप्टर हमारा हो गया वैसे फिनिश. तो उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया सभी बच्चों को समझ में आया होगा. फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है. बाकी पीडीएफ में इसकी भेज दूंगा आपको. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.